कोई कदर ही नहीं रहेगी दुनिया में प्यार की। मेरा तो दिल कर रहा है कूद के मर जाऊं। दोस्तों आज हम बात करेंगे रणवीर कपूर श्रद्धा कपूर की फिल्म तो झूठी में मक्कार की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे इस फिल्म ने अपने पहले दिन एडवांस बुकिंग में कितने करोड़ रुपए की कमाई की। और क्या रणवीर कपूर की फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में शाहरुख खान की फिल्म पठान से लेकर सभी बॉलीवुड फिल्मों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को पीछे छोड़कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन के साथ साथ साउथ नेपाल वर्ल्ड वाइड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताया इस फिल्म में आपको रणवीर कपूर के साथ श्रद्धा कपूर लीड रोल में दिखाई देगी। वहीं फिल्म का बजट है लगभग 70 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। और रणवीर कपूर जैसे बड़े स्टार फिल्म में होने की वजह से माना जा रहा है फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की बात करें तो फिल्म की अभी तक ऑफिशियली एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है रणवीर कपूर की फिल्म तो झूठी में मक्कार को यंग जनरेशन में काफी जबरदस्त क्रेज देखने की वजह से हो सकता है फिल्म का पहले दिन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रही। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों आप रणवीर कपूर की फिल्म तो झूठी में मक्कार को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपको क्या लगता है फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग करेगी? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़? इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या हो जाएगी फ्लॉप? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसा ना है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल कलेक्शन टेक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।